तो कहानी शुरू होती है आज से कुछ 4-5 दिन पहले। तो आप लोगों को जैसा पता है मैंने 365 डेज कंप्लीट कर लिया है, और उसको कंप्लीट करने की खुशी में मैंने एक स्पेशल व्लॉग बनाया था। तो जब उस व्लॉग की एडिटिंग चल रही थी और उस व्लॉग पे काम चल रहा था, तो हम जाया करते थे पंचकुला। तो बस ये भी उस दिन की बात है, हम जा रहे थे पंचकुला अपने व्लॉग की एडिटिंग करने। तो कहानी को भाई कंटिन्यू करते हैं रास्ते में से। हाँ जी, तो भाई फिर से आपको स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। हो रहा है आप सब एकदम बढ़िया हो गए। तो जी सुबह के बज चुके हैं अभी 11 और हम जा रहे हैं पंचकुला। गला भी हमारा वैसा का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे गले में, खराब का खराब ही पड़ा है, फटा स्पीकर बन चुका है। तो अब सही में इसको भी रिपेयर कराना पड़ेगा। अभी तो भाई खा गया हूँ वैसे, मैं पता नहीं कब तक रिपेयर होएगा। हाँ तो जा रहे पंचकुला एडिटिंग करने, और आज जो मर्जी हो जाए जो मर्जी हो जाए, आज कंटिन्यू बैठ के ना हमने एडिटिंग खत्म करनी करनी है। काफ़ी टाइम हो गया यार, 3-4 दिन हो गए, पर चलो अब एडिटिंग रहेगी। अब कुछ ऐसा नहीं है कि शूट करना बाकी है। अगर एडिटिंग के वक्त भी कुछ लगेगा ना कि थोड़ा बहुत ये भी होना चाहिए था वीडियो में, तो घर में कर लेंगे शूट थोड़ा बहुत। बाकी हाँ, सब कंप्लीट एडिटिंग रहती है, वो कर लेंगे आज हम जाके ख़त्म। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई, वो देखो वो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, देखो मैं फोन से दिखाता हूँ। और देखो ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, यहाँ पे जाना है हमको। अब वहाँ पंचकुला पहुँच के फिर दिखाता हूँ आपको कौन सी बिल्डिंग है ये। तो यहाँ से दिख रही है, ये देखो ये बिल्डिंग दिख रही है सामने, ये दिख रही थी वहाँ से। फिर आधी एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद हम चले गए कुछ खाने पीने। तो भाई फाइनली एडिटिंग हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, बस अभी एक हमारा एंडिंग का पार्ट रह गया, और बीच में थोड़े बहुत इफेक्ट वगैरह डाल रहे हैं, मतलब बीच का काफ़ी कुछ रहता है कि जिससे वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है वो सब रह गया, पर मेन मेन चीज़ें हमारी सारी डंडना डन हो गई है। तो भाई सुबह से लगे हुए थे, अभी टाइम क्या हो रहा है, 4 बज चुके हैं। चलिए जी उठा लिया जी कैमरा। कितने लोग हैं? 3.8K लोग को उठाया भाई मैंने अभी, 3,500 लोग। भारी तो नहीं लग रहा भाई इतना? लगा दे। हाँ तो बस इतनी मेहनत करने के बाद फिर हमने सोचा कि थोड़ा कुछ खा पी के आते बाहर, तो अभी हम आए थे यहाँ बर्गर किंग में कुछ खाने। चलिए सर, क्या खा रहे हो सर? पानी पीऊँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉलो एंड सब्सक्राइब। पर उसके बाद हमें क्या पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। वीडियो देख, वीडियो आ रही है, रुक 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 रुक, आ गया वीडियो तो आ रही है, वीडियो का तो फिर दिक्कत क्या है? दौड़ रुक दौड़ रुक, चल रहे सब चल रहे हैं, वाले चेक कर। बीच से उड़ गया, मेरे को लग रहा है बीच से क्या उड़ गया। हमने इससे पहले क्या किया था, ये वाले पार्ट से पहले पता नहीं है। हाँ यार वो कहाँ गया, अभी जो कर रहे थे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो कहाँ गायब हो गया? वही तो उड़ गया, वो उड़ गया क्या? तेरे को देखने थे जो बीच वाले पार्ट है वो है कि नहीं, जो तेरा वो आ रहा है यार। और कौन सा पार्ट गया, और क्या एडिट किया था? वही खतरनाक सीन हो गया था अभी, बस हमारी फाइल करप्ट होने वाली थी सारी, जो भी एडिट की थी हमने सुबह से मेहनत जो करी। एकदम से कैसे चली गई यार, हमारे पिछले 1 घंटे की फाइल चली गई। 1 घंटे में हमने क्या क्या एडिट किया है, 1 घंटे में क्या क्या किया हमने भाई, कितना कुछ तो करा है, क्या किया? तो भाई चलो जो प्रोजेक्ट था हमारा तो सही सलामत आ गया, पर अभी देखो यहाँ पे लैपटॉप लैग मार रहा है, क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ, दिक्कत आ रही है भाई। मेरी सांस से रुक गई है कि कोई दिक्कत ना आ जाए बस यहाँ पे। तो यार इतनी इतनी देख लो, इतनी ज़्यादा एडिट करी हमने, इतनी ज़्यादा, अगर ये कुछ हो गया फिर यार लैग मार रहा लैपटॉप यार, शिट। तो जी एडिटिंग हम कर रहे थे प्रीमियर प्रो में,
पर पता नहीं किसी कारण प्रीमियर प्रो जो है क्रैश हो गया, पर वो हमारे साथ ही नहीं कईयों के साथ हुआ होगा, पता ही होगा एडिटर्स को, लोग एडिट करते हैं प्रीमियर में, उनको पता ही होगा कि प्रीमियर जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश कर देता है। तो उस दिन हमारे साथ भी वही सेम हुआ। फिर किसी तरह से भाई एक दो घंटे हम लगे रहे कि हमारी सारी फाइल्स वीडियो वापस आ जाए किसी तरह से, बहुत कोशिश करी हमने, पर फाइनली हमारी कोशिश कामयाब रही और वीडियोज हमारी वापस आ गई थी। तो भाई फाइनली सांस में सांस आई है, हमारा प्रोजेक्ट वापस आ गया था किसी तरह से, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी यार वो, पर चलो शुक्र है वापस आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं, थोड़ा बहुत एडिट करने का रह गया, बीच का पार्ट रह गया, बाकी पूरी वीडियो कंप्लीट है हमारी, इसे मैंने कह दिया ये कर देगा बाकी। तो बस जी फिर अभी जा रहे वापस घर हम, थक गए यार पूरा सही में, दिमाग ऐसा घूमा यार, इतनी लंबी वीडियो एडिटिंग, अपनी एक्टिवा कौन सी है। तो बस यही थी उस दिन की स्टोरी। उसके बाद आते हैं अगले दिन की रात पे, तो उसके अगले दिन मैंने कुछ व्लॉग नहीं करा कि भाई पूरा एक साल मैंने कंप्लीट कर दिया डेली व्लॉग, जो मैंने चैलेंज लिया था वो मैंने कंप्लीट करा, और फिर अब मैंने सोचा कि क्यों ना डेली व्लॉग बंद कर दिया जाए। उसका एक रीज़न है कि मेरे अब एग्जाम आ रहे हैं प्लस टू के, और हाँ एक ज़रूरी सूचना, मैंने डेली व्लॉगिंग छोड़ी है, व्लॉग करना नहीं छोड़ा है, तो मेरे जो व्लॉग है वो ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को आया करेंगे, ठीक है। तो भाई अभी अच्छा खासा बैठ रखा है घर में, पापा आए कहते टायर पंचर हो गया गाड़ी का, ये देखो भाई टायर पंचर देखो ऐसे होता है मुझे ना पड़ोसी सामने वाले टायर पंचर टायर ना रोड के अंदर है भाई, देखो इन्होंने रोड थोड़ी ऐसे अंदर को जा रखी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पंचर है। देखो कैसे हो सर, क्या हाल आपके? हाँ जी। तो भाई आज तारिक भैया यहाँ पे सैर कर रहे थे, सैर करते करते आज हमारे घर आ गए, आज बाइक चलाई सही मजा सा आ गया। तो भाई बहुत अच्छा लगा अभी इनसे बातचीत करके, थोड़ी देर अभी घर में बैठे चाय वगैरह पी और मस्त बातचीत करी, मजा आ गया था सही में, पॉजिटिव वाइब सही में। अब बातचीत क्या करिए यार, वो तो कैसे बताए, बहुत लंबी कहानी है, हमें बहुत मजा आया, चाय भी बहुत अच्छी बनी थी, धार्मिक बातें मजा आया काफी, चाय भी बहुत अच्छी बनी थी पूरा, मतलब इज्जत सत्कार से मजा आया, कोई फिर टाइम निकाल के आना बिल्कुल, अब आप आना कोई नहीं, हम आएंगे, बाय। بجو صبر و تحمل است چون